ये सौभाग्य की बात है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और संगीत नाटक अकादमी तथा W20 ने मिलकर भारतीय नारी शक्ति विमर्श पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें देश की लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान विशेषकर विदुषियों द्वारा भारतीय साहित्य में विश्व की बहुत चर्चित महाभारत की अजोशी पात्री द्रौपदी की जीवन प्रसंग और संघर्ष तथा उसे जुड़ी अनुभवों पर विमर्श किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जब मेरे को यह पता चला, याज्ञसेनी की संस्कृत में दूसरे एडिशन की एक अवसर है, मैंने उस दिन प्रतिभा जी हमें आशीर्वाद करने आए थे, मैंने जब देखा तब हमें पता नहीं था कि इसकी पहला खंड की भी प्रकाशक स्वयं केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली था। तब मैंने वरखेड़ी जी को अनुरोध किया था टेलीफोन पे। वरखेड़ी जी, जो लोग सब हम यहाँ उपस्थित थे कहीं ना कहीं याज्ञसेनी से जुड़े होंगे, याज्ञसेनी पढ़े होंगे, उड़िया में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश की 20 एडिशन आ चुका है। मैंने पूछा प्रोफेसर राय से, क्या ये इसका भावार्थ उड़िया जैसे आया है क्या? उन्होंने तो 20 एडिशन छपा कैसे, ये बात भी सही है, 120 एडिशन उड़िया में छपा है, शायद हमारी व्यवस्था में कितने लोग एक किताब को पढ़ें उसकी कोई आकलन की शायद अभी व्यवस्था नहीं है, आने वाले दिनों में शायद ChatGPT बता सकता है, बताओ याज्ञसेनी कितने लोगों ने पढ़ा है। एक बार मैं तो आज ChatGPT को पूछूंगा याज्ञसेनी में है क्या, आज पूछने वाला हूं। लेकिन हम सभी के अंदर ChatGPT याज्ञसेनी से जुड़ा है, शायद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले किताबों में निस्संदेह याज्ञसेनी एक किताब होगा, मैं उसको जिम्मेदारी के साथ और दावा कर सकता हूं। और मेरे मन में जो उस समय में भाव आया, कल्पना तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, भाव आया तो मैंने बरखेड़ी जी को बताया। कुछ दिन के बाद बरखेड़ी जी संध्या जी को ले आए, मैं थोड़ा अटपटा रहा, ये भाई बाई वन गेट वन फ्री कैसे हो गया, और मैं उड़ीसा से आया था, एक शिशु नाटक वीर बालक बाजी राउत के बारे में एक नाटक उसके पूर्व संध्या में देख के आया था। कुछ वहां के कलाकार मित्र मेरे को नाटक एकेडमी के बारे में कुछ परामर्श दिए थे, मैं मनी मन सोच रहा था कि मैं किसे मिलूं किसे कहूं इस बात को, तब संध्या जी को बरखेड़ी जी लेके आए और उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम ऐसे सोचा और W20 इससे और कोई बढ़िया बात नहीं हो सकता है, जब विश्व में भारत अपने पूर्व गौरव के आधार पर महाशक्ति बनने पुनः जा रहा है, उसी समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और भाई और बहनों इस बार G20 की अध्यक्षता सिर्फ कुछ देशों को इकट्ठा आके कुछ विषयों पे विमर्श करना, ऐसा भारत ने उसको नहीं रखा है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व की G20 आखिर है क्या, विश्व की बड़े चौधरियों का तो पंचायत है, बड़े बड़े एजेंसियों का तो एक क्लब है, जब भारत की नेतृत्व को इसका अवसर मिला, प्रधानमंत्री जी ने विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को बुलाया, गरीब देशों को बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं आपकी भाव क्या है, आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आपके एस्पिरेशन क्या है, हम आपकी बात को G20 के मंच पे रखेंगे और हम
पाश्चात्य देश और ग्लोबल साउथ के बीच में सेतु की काम करेंगे, और उस बैकग्राउंड में और महिला एक का विषय है,